बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की परेशानियाँ, मुश्किलें और दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आई हूँ सुबह की वॉक के लिए, क्योंकि रात जो है वो हमारे काफ़ी तेज़ आंधी आई थी, बहुत मट्टी थी बहुत ज़्यादा, और रात के 12 बजे के बाद जो है वो हल्की हल्की बारिश हुई थी, बहुत हल्की। तो अब जो है वो हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैंने सोचा बहुत दिन हुए मैंने सैर नहीं करवाई अपने YouTube फैमिली को, और ना ही तो मैं बाहर निकली हूँ वॉक के लिए। तो फिर आज मैं इनके साथ बाहर वॉक के लिए आ गई। तो मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, मैं आपको आज कुछ नया दिखाऊंगी, कुछ शादी की शॉपिंग, कुछ वो बरियाँ, हर यानी कि ज्वेलरी वगैरह सैंडल हर चीज़। तो यहाँ पर जी मेरी भांजियों की हुई थी शादी, कुछ थोड़ा थोड़ा अर्सा हुआ है उनकी शादी को। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से उनकी वो, मैं गई तो कह रही थी कि आंटी आप ना, मैंने कहा लाओ अपनी ज्वेलरी दिखाओ ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं उनकी ज्वेलरी देख रही हूँ, और मुझे दिखा रही थी कि आंटी ये मैंने किस दिन ये वाला परस लिया था, शादी के पहले दिन दूसरे दिन, और ये जो है ये इन्होंने आम इस्तेमाल किया, यानी कि जब बंदा कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जाता है तो। और ये जो है अब स्टोन वाला, ये इन्होंने लिया था इधर, मेरी आपी ने लेकर दिया था इनको लहंगे के साथ, लहंगे कुर्ती के साथ है ये इनका बारात वाले दिन का, क्योंकि लहंगा और कुर्ती हमने खुद बनाई थी, कुछ घर में बनाई थी, कुछ हमने लेबर से बनवाई थी हमारी से। तो ये जो है ये इनके वलीमे वाले दिन पीच कलर का इनकी मैक्सी थी, तो उस पर जो हुआ था कस्तूरी का काम हुआ था, तो वैसे वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो है ये इनकी मेहंदी वाले ड्रेस के साथ था, ये वाला छोटा परस जो है वो मेहंदी के ड्रेस के साथ था, और ये जो है ये इनके मुकलावे वाले दिन का था। तो ये इनके ये देखें कलर का फ़र्क था। और मेरी दोनों भांजियों की शादी जो है वो माशाल्लाह से एक ही घर में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये मैं इसको कह रही हूँ कि जो आपने अपना ब्राइडल यानी कि सेट पहना हुआ था वो दिखाओ, तो कह रही आप भी ये ना इसके जो झुमके और बिंदिया है ना माथा टीका, वो पता नहीं मैंने कहीं रखा हुआ है, तो ये सिर्फ यही मुझे दिखाया, कह रही मैं वो आपको भी दे ला देती हूँ, लेकिन मुझे जहन में नहीं है मैंने कहाँ रखा हुआ है ना। तो ये देखें ये वाला सेट था, इसके साथ वो तार वाली जिसको कहते हैं कि नथ बोलते हैं वो थी। तो माशाल्लाह से वैसे तो इन्होंने सोने का सेट बनवाया था, लेकिन ये आर्टिफिशियल जो था वो लिया था, कि थोड़ा सा यानी कि ये अपना बड़ा बड़ा गला लगे। तो ये बहुत प्यारा लिया था इन्होंने, मैं खुद साथ गई थी अपनी आपी के, तो हमने ये लिया था मुल्तान काला मंडी से। तो इतना प्यारा सेट, सबको बहुत पसंद आया था ना, अगर ये पूरा सेट मिल जाता वो ढूंढ लेती तो बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका एक छोटा छोटा सा बेबी भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तक ये देखें, कह रही थी आंटी अभी तक इसके स्टोन वगैरह और कलर में थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आई, कि चलो थोड़ा सा भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत उसने निफासत के साथ संभाल के रखा हुआ था। और ये जो था ये इसने पहना हुआ था अपना मुकलावे वाले दिन मेरी छोटी भांजी ने, तो इसको मुकलावे वाले दिन मैंने तैयार किया था, सिंपल सिंपल सा, कह रही थी मुझे ज़्यादा ना हैवी जो है ना वो नहीं पसंद। तो इसके साथ पीच कलर का इसका अपना दुपट्टा है, और सी ग्रीन जो है वो शर्ट के साथ का इसका ट्राउज़र है, और बहुत ही प्यारा मोती और स्टोन लगे हुए थे छोटे बड़े, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये दामन पर जो है वो बनारसी नेट लगी पट्टी लगी हुई थी सारी, ये देखिए सी ग्रीन इसके साथ ट्राउज़र है, और ये वाला जो है ये कस्तूरी का बना हुआ है, ये इन्होंने बाज़ार से लिया था, तो ये ख़ुद भी इन्होंने एक सूट बनाया है फ्रॉक, मैं आपको दिखाऊंगी इधर ही, वो भी है उसकी भी वीडियो, लेकिन ये बाज़ार से इन्होंने लिया था, ये भी बहुत प्यारी इसके साथ भी ट्राउज़र। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, ये इसकी मैक्सी थी, इतनी प्यारी ये मैक्सी थी, इसके ऊपर रेशम का काम हुआ, ये सारा रेशम और तिल्ला बारीक तिल्ला जो है वो काम हुआ था।
तो मुझे इतनी पसंद आई कि बहुत ही ज़्यादा, ये बिल्कुल उसके पाँव यानी कि पाँव भी नज़र नहीं आते थे जब वो शायद पहनती हो, लेकिन अब जो है वो कह रही थी कि आंटी ये बहुत प्यारी, जब मैं पहनती हूँ ना ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती है। तो ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। और ये वाला जो सूट है मेरी भांजी ने खुद बनाया है, दोनों ने एक जैसा बनाया, और इनकी भाभी जो है उन्होंने भी खुद बनाया था। और जो मेहंदी का ड्रेस अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखें ये इन्होंने खुद बनाया है ना। तो जब ये वाला ड्रेस बना रही थी तो मैं गई हुई थी वहाँ पर आपी के घर पर इनकी शादी से पहले, तो कह रही थी आंटी हमने ये वाला बनाया है कैसा लग रहा है। मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है ये इन्होंने मुंगिया शेड का है, यानी कि तेज़ ग्रीन कलर जो होता है उसके साथ का ट्राउज़र है जामावार का, और ये लटकन लगाए हुए हैं इन्होंने। तो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से इनके ड्रेस थे, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। अभी गर्मी की वजह से जो था ना ज़्यादा वो ड्रेस नहीं दिखा सकी। ये इसका ड्रेस जो है ये ससुराल वालों की तरफ से है। तो ये मेहंदी का ड्रेस है, और ऐसा इसने दोनों बहनों का बनाया, और इसकी भतीजी जो है उसका भी बनाया, और इन्होंने अपनी भांजी का बनाया, और मेरी फाइका का भी ऐसा ही माशाल्लाह ड्रेस है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, सेम इन्होंने यही चीज़ बनाई है फाइका के ड्रेस पर भी ना। तो कह रही थी हम सब ने एक ही जैसे पहनने हैं। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत, और ये वाला ड्रेस जो है ये हम लोग लेकर गए थे, इसका ये मुंगिया कलर और गोल्डन था, और जो इससे बड़ी मेरी यानी कि भांजी है उसका था शायद मेरून कलर था, मेरून और गोल्डन था हाँ। तो माशाल्लाह से इनके कमरे और कमरों की सेटिंग वगैरह सब एक ही जैसी है। हम छोटी के कमरे में जाते हैं तो कहते हैं ये बड़ी का कमरा है, जब बड़ी के कमरे में जाते हैं तो कहते हैं ये छोटी का कमरा है। तो वो बताती हैं कि नहीं आंटी जी आप हमारे कमरे में बैठी हो, दूसरी का कमरा वो दूसरे साथ वाला है। तो ये भी मैक्सी थी, इसके ऊपर भी स्टोन लगे हुए थे, और ये मशीनी कढ़ाई तिले की हुई थी, बहुत प्यारी ये भी लग रही थी। ये दरमियान में सारे जो है ना सितारे लगे हुए थे, ये ऊपर लाइनिंग जो है ये सारे सितारों का काम हुआ था, और बहुत प्यारे माशाल्लाह से कपड़े थे इनके, और अल्लाह ताला इनको इनके नसीब में करे आमीन। तो ये देखें बहुत डिफरेंट कलर का ना ये डिज़ाइन है, एक तरफ से थोड़ा चेंज है ना, पेटी नुमा है लेकिन है साथ में ही, सेपरेट नहीं है इसकी पेटी। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक चीज़ ये भी है, तो इनका घर गांव में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लगता नहीं है कि इनका घर गांव में है ना, नीचे कारपेट वगैरह बिछा। और ये वाला सूट सॉरी जो है ना कह रही थी आंटी ये वाला ड्रेस जो है मेरा ना, मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था, तो इसने बहुत चाव के साथ मुझे दिखाया। तो उसी वक्त ना जो इनके हस्बैंड थे वो भी आ गए, और कह रहे आंटी देखें ये सूट बिल्कुल कैसा लग रहा है। मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। कह रहे कि मेरी पसंद कैसी, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें क्या लगा, एक शर्ट और ये ट्राउज़र का डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल ये वाला डिज़ाइन जो है वो इन भी है और बहुत अच्छा लगता है बड़ों में भी और बच्चों में भी। और ये वाली शर्ट जो है ये इसने गर्मियों में ली थी, मैं साथ गई थी, ये भी इसने हम लोग इकट्ठे गए थे, इसका दुपट्टा और ट्राउज़र जो है वो मेरे साथ थे ये जब हम लोगों ने लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे, मेरी आपी ने हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई थी। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, और माँ बाप को हिम्मत दे। माँ बाप तो अपनी कोशिश करता है कि अपनी औलाद को जितना हो सके दें, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला पहनना ओढ़ना तो सबके नसीब में जो जितना हो वही होता है, लेकिन नसीब जो है ना वो अल्लाह ताला सबके बेटियों बहनों के अच्छे करे। और ये था गौन, और मुझे कह रही थी आंटी मेरा ये बुरका देखे। मैंने कहा बच्चू ये मैंने अपना मुकलावे वाले दिन मैंने ही तुम्हारा ये बुरका जो है ना इसको प्रेस किया था। और ये वाले जो हैं ये अपना इसके वलीमे वाले दिन वाले सैंडल है, ये मेहंदी का अपना है खुस्सा है, और ये वलीमे वाले दिन इसने ना पहनी थी मैक्सी के साथ, पीच कलर की मैक्सी थी इसकी। और ये वलीमे वाले दिन के अपना इसकी सैंडल है, उसकी हील इतनी ज़्यादा है ना कम से कम 4 से 5 इंच होगी।
तो कह रही आंटी मैंने दोबारा नहीं इसको पहनाना। तो इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।